सो गाइस ये देखिए हमारी गाड़ी का जो डीजल है वो लीक कर रहा है कल से। मेरी 2 साल से आने की तमन्ना थी, आज फाइनली पूरी हुई है। यहाँ से वापसी के लिए मैंने कुछ नया जुगाड़ ढूंढा है, डायरेक्ट एयरपोर्ट जानने के लिए वीडियो में बने रहे। मैं सो गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी सुबह का 5 बज रहा है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो उठने के साथ से रेडी हो जाना है, जैकेट वैकेट डाल के पूरा पैक हो जाना है ताकि ठंड बिल्कुल ना पकड़े। तो गाइस गाड़ी आ गई है, थोड़ा सा लेट हो गया था बिकॉज गर्म पानी आने में लेट हो गई थी, कोई आने वाला है आज। आई एम सुपर एक्साइटेड और सेम कपड़े पहना बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा बदलने का मन कर रहा था। आई होप इट्स फाइन फॉर यू, स्टिल आई हैव चेंज माय स्पेक्स। सो गाइस भीम दाजू ने हमें एक जगह रोका हुआ है, यहाँ से आप देखोगे बहुत ही अमेजिंग व्यू दिख रहा है मेरे पीछे, एज यू कैन सी। अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ, बाकी बहुत ही अमेजिंग वैली, एक अलग ही लैंडस्केप है, एकदम सीधे पहाड़ है जैसे करके ना, बिल्कुल मस्त। अभी थोड़ी ठंडी थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, बेटर लग रहा है थोड़ा, क्योंकि सुबह बहुत जाम हो गया था, एकदम ठंडा इतना था ना भाई साहब पूछो मत। मैं तो सोचा था खास जेट में भी गर्म पानी आ रहा था, कितना मज़ा आता फिर उसको थोड़ा सा ना न्यूट्रलाइज करके पानी को। सो गाइस देखिए पानी कैसे जम जा रहा है यहाँ पर, इतना ठंडा है। सो गाइस फिलहाल अभी हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं, आई थिंक यही सबसे लास्ट पॉइंट होगा जहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। आग में बैठ के और ठंडा लग रहा है, सुबह बहुत ठंडा है यहाँ पे, सारे लोग आग के पास चिपक गए। ये देखो ठंडे से सबकी हालत खराब है। सुबह से आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, तो फिलहाल अभी 7 बज गया है, आई थिंक 5-10 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग। सो गाइस देखिए हमारी गाड़ी का जो डीजल है वो लीक कर रहा है कल से, तो भाई को बड़ी दिक्कत हो रही है, ऐसे ही भरा भरा के तेल निकल रहा है, तो हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट। चलें भाई, चले जाजू यहाँ पे परमिशन चेक कराने के लिए रुके हुए हैं, और ये जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट डोसा पॉइंट है। फाइनल चढ़ाई है गुरुदुरमाग लेक की, यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन बहुत कम है, इस वजह से गाड़ियाँ चढ़ नहीं पाती है, तो जो बाइक्स हैं वो बंद हो जाती हैं चलते चलते, जैसा कि आपने देखा, और जाम लग जाता है क्योंकि बाइक बीच रास्ते में बंद हो जाती है, तो जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो भी बंद हो जाती है, फिर इनको लोड निकालना पड़ता है फिर चढ़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम है ना, तो इंजन खींच नहीं पाता है बहुत 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 ज़्यादा। और मेरी आवाज़ सुन के आपको पता लग रहा होगा ना, थोड़ा सा वो फील हो रहा है हल्का हल्का, बट या सो फार सो गुड। सो गाइस हम लोग फाइनली गुरुदुरमाग लेक पहुंच गए, सो गाइस थोड़ा सा सांस लेने में थोड़ी हल्की दिक्कत हो रही है, भीम दादी के साथ जा रहा हूँ मैं, भीम दादी के साथ हम जाएंगे वो सामने उधर, थोड़ी देर वहाँ मेडिटेशन करेंगे एकांत में, और वहाँ से एक आध अच्छा व्यू लेंगे और फोटोज खींचेंगे। भीम दादी ओके, हम अभी निकला है लेक में, हाँ नीचे जा रहा है, हाँ नीचे से व्यू लेंगे हम लोग, जो इसका पानी पीते हैं, पीना पड़ेगा, हाँ किसी को कोई भी रोग वगैरह रोग वगैरह हो ठीक हो जाता है, किसी का गर्भवत नहीं होता है, हाँ 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 ये पानी पीने से उसका हो जाता है। अच्छा, सबसे ऊपर विश्वास है इसका, हाँ हाँ ये सब जम जाता है, एक छली खन के यहाँ पर नहीं जमता है, हाँ ये वाला जगह। तो भीम दादी थोड़ा उसके बारे में बताओ, यहाँ जो गुरुदेव की कहानी है। तो एक्चुअली ये अभी गुरु नाना ऐसे बोलता है, पहले यहाँ पे गुरु आके ये पूरा फ्रोजन था, ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ गुरु नाना को प्यास लग गया, तो वहाँ पे पूरा फ्रोजन था, वो छड़ी मार के वो जगह में पानी पिया, उसी टाइम से ये जगह में सब जम जाता है, जो बाबा ने पानी पिया वो जगह नहीं जमता कभी भी। अच्छा, उसका रीजन ही यही है।
यहाँ का कहानी है। यहाँ का कहानी वही, ये पानी जैसे आपको कुछ सर दर्द हो जाएगा, ये पानी थोड़ा सर में लगाना है, अच्छा। सबसे ऊपर विश्वास करना है, ये होता है, ठीक हो जाता है। सात बार लगाओ, सात बार, सात बार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आप हमें यहाँ तक ले आए, बहुत बहुत धन्यवाद। भीम दादी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें यहाँ तक अच्छे से ले आए, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरी 2 साल से आने की तमन्ना थी, आज फाइनली पूरी हुई है। बहुत मतलब बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ मैं, बता नहीं सकता अभी। थैंक गॉड। जय हो। हमने ऑलमोस्ट आधा चक्कर क्रॉस कर लिया है लेक का, अभी हम थोड़ा और आगे तक जाएंगे, उसके बाद मेरे लैंग्वेज में भी जाएगा जाएगा आ गया भाई लैंग्वेज में आ गया, तो आगे तक जाएंगे। और ये जो आप पहाड़ देख रहे हो पीछे, ये पहाड़ के जस्ट पीछे चाइना बॉर्डर है पूरा। हम लकी इसलिए भी हैं कि भीम भाई यहाँ पर अभी हवा नहीं चल रहा थी, अभी तेज़ नहीं चल रहा, तेज़ हवा चलता है तो अभी शुरू हो रहा है, ये तो बहुत ठंडी होने लग जाती है। तो अगर बेस्ट टाइम आने का है तो जितनी जल्दी सुबह आ जाओ यहाँ पे, वो बेस्ट टाइम है, सुबह जितना आएगा उतना भी अच्छा, और भी कम मिलेगा। चलो अभी वहाँ तक चलते हैं लास्ट तक, फिर वापस आ जाएंगे। ये देखिए लेक का पानी बिल्कुल फ्रोजन है इस तरीके से, और हल्का सा पाँव पड़ने में टूट जा रहा है, तो बी केयरफुल अगर आप कोने में आते हो तो। वो देखिए एक शिवलिंग भी दिखाई दे रहा है, शिलोंग से मेघालय। मेघालय जी, तो आपका ये फर्स्ट ट्रिप है यहाँ पे या पहले आए हुए हैं? फर्स्ट टाइम जी। कैसा लगा? बहुत सही लगा। तो वैसे ये यहाँ के पार्किंग एरिया, तो वैसे अभी हम लोग सबका वेट कर रहे हैं, सारे लोग आ गए हैं, यहाँ जितनी फोटो खींच लो उतनी कम है, मतलब मन ही नहीं भर रहा है फोटो। तो गाइस तकरीबन 1 बजे हम लोग लाचेन पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे हम फटाफट लंच कर लेंगे, आधा 1 घंटा लगेगा लंच करने में, उसके बाद सीधे निकल जाएंगे यहाँ से गैंगटॉक के लिए। तो अभी गैंगटॉक में जाके दोबारा मुझे होटल सर्च करना, आई होप उसी होटल में जिसमें रहा था वहाँ होटल रूम अवेलेबल हो। कल मॉर्निंग मुझे सीधे सिलीगुड़ी जाना है और फिर फ्लाइट लेनी है, बागडोगरा एयरपोर्ट जाना है सीधे। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि यहाँ से वापसी के लिए मैंने कुछ नया जुगाड़ ढूंढा है, थोड़ा सा हल्का सा महंगा है, जिससे मैं आया था उससे थोड़ा सा महंगा है, लेकिन थोड़ा सा लग्जीरियस है, मतलब हेडेक नहीं है डायरेक्ट एयरपोर्ट गैंगटॉक से। तो उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में बने रहे, मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ गैंगटॉक पहुँच के, ठीक है ना। अभी पहले लंच कर लेते हैं। तो गाइस तकरीबन 7 बजे हम लोग गैंगटॉक पहुँच गए थे, और गैंगटॉक में पहुँच के जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं सेम होटल पर रुका हूँ, और इनफैक्ट मुझे रूम भी सेम मिला है। तो अभी फिलहाल डिनर करके मैं तुरंत सो जाऊँगा, बिकॉज कल सुबह 7:30 बजे मेरी यहीं से कैब है, और मुझे वो छोड़ देगी तकरीबन 1 या 2 बजे बागडोगरा एयरपोर्ट पे। तो मैं जो आपको बता रहा था कि यार एक अल्टरनेट वे है, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा स्पेंड करना चाहते हो थोड़ी सी लग्जरी लेने के लिए और ज़्यादा हाईटेक न लेने के लिए, बिकॉज रिटर्न के टाइम में क्या होता है ना, फ्लाइट मिस होने के डर की वजह से आप थोड़ा सा 2 पैसे ज़्यादा देकर टाइम से पहुँच जाओ, ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ये ऐप जो है मेरे को इकबाल ने बताया था, जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था वो यही रहता है, तो विज राइड करके है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा उसका, आप जाके देख लेना, बहुत सही मतलब मुझे ठीक लगी। मैंने उससे ऑनलाइन बुकिंग कराई है, गूगल पे से पेमेंट हो गया था, और वहाँ से सीट चूज़ करने के लिए बोलता है, 6 लोग ही बैठते हैं, इनोवा टाइप की गाड़ी मिलती है, और मुझे वो पड़ी तकरीबन 990 रुपये की। तो अगर मैं शेयरिंग से जाता यहाँ से तो मुझे 500 रुपये सिलीगुड़ी तक पड़ता, और वहाँ से तकरीबन 150 से जैसे आज तक 150 रुपये पड़े थे, तो 150 से 200 पड़ता, तो 500, 600, 700 रुपये पड़ रहे थे, बट ठीक है 700, 200, 300 रुपये ज़्यादा देखे, एटलीस्ट मैं आराम से जाऊँगा शेयरिंग में, बहुत यू नो
कंजेस्टेड होके जाना पड़ता है और रुक रुक के जाती है, थोड़ा सा टाइम का भी फिक्स नहीं रहता है। तो ये था वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का 7 बज गया है और मेरी टैक्सी साढ़े 7 की एयरपोर्ट के लिए और मैं अपने घर चले जाऊंगा उसके बाद। तो इसी के साथ इस सीरीज को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को इस सीरीज की वीडियोस पसंद आई तो वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।